नमस्कार जोहार, लाइव लगातार में आपका स्वागत है। जमशेदपुर में दुर्गा पूजा के दौरान रंजीत सिंह की हत्या कर दी गई थी। हत्या तेलको थाना अंतर्गत दुर्गा पूजा पंडाल के पास की गई थी। इस मामले में कई अभियुक्त अभी भी फरार हैं। एक अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसका नाम छब्बू बताया जा रहा है। पुलिस अभी उसे लगातार पूछताछ कर रही है। आइए सुनते हैं एसएसपी साहब का क्या कहना है। 3 अक्टूबर 2022 को तेलको थाना अंतर्गत सबूज कल्याण संघ के पास एक व्यक्ति को गोली लगने की सूचना मिली थी। उसमें जिस व्यक्ति को गोली लगी थी, वो बाद में रंजीत सिंह और रंजीत सरदार के रूप में उनकी पहचान हुई थी और उसकी मृत्यु हो गई थी। उसमें प्राथमिकी दर्ज करते हुए सिटी एसपी के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी और टीम द्वारा काफी हुए 24 घंटा के अंदर ही जो एक मुख्य शूटर था उसको गिरफ्तार करके पहले ही फॉरवर्ड किया जा चुका है, जो आप लोगों को पुल मीडिया के माध्यम से बताया गया था। एक और जो शूटर था, जो घटनास्थल पर और फायर करने में जो मुख्य भूमिका निभाया था, वो सरबजीत सिंह और छब्बू, उसको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। साथ ही दिनांक 14/10 को एक और इसमें जो घटनास्थल पर एक और अपराधकर्मी जो मौजूद था, उसको ऋषि, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। वो इंजरी के कारण इलाजरत था, जिसको आज फॉरवर्ड किया जा रहा है। आज जो सरबजीत सिंह और छब्बू को गिरफ्तार किया गया है, इसने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। ये पूरी कहानी बताया है कि क्यों ऐसा किया गया। इनके द्वारा घटना में उपयोग किया हुआ हथियार भी बरामद कराया गया है। इनकी निशानदेही में हथियार भी बरामद हुआ है। और इस घटना के पीछे जो मुख्य कारण है, जो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, कि जब जेल में सभी अपराधी जो मरने वाला है वो भी अपराधी ही था, उसके ऊपर भी काफ़ी कांड दर्ज हैं और ये लोग भी अपराधी हैं, सभी जेल में बंद थे। तो जेल में इन लोगों की आपस में झगड़ा हुई थी और उसमें जो ये सरबजीत सिंह और छब्बो है, इसका दाढ़ी नोच दिया था जो मृतक है रंजीत सिंह और रंजीत सरदार। और काफ़ी सभी कैदियों के सामने इसकी बेइज्जती भी हुई थी। तो चूंकि सरदार जमीन, चूंकि सिख कौम में दाढ़ी एक बहुत बड़ा इज्जत और प्रतिष्ठा और सम्मान का चीज़ होता है, तो इसको इसने काफ़ी दिल पे ले लिया था और उसी समय से प्लानिंग किया था कि ये मेरे सम्मान को और मेरे धार्मिक चीज़ को इस तरीके से बेइज्जत किया है, तो मैं इसको मारूंगा। और यही खुन्नस पाले हुए था जब रंजीत सिंह 22 सितंबर को जेल से निकला, तभी से ये रेकी कर रहा था और मौका मिला तो उसने फायर करके गोली चलाया, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना में कुल 4 लोग शामिल थे, जिसमें से 3 लोगों जो मुख्य भूमिका निभाए थे उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। एक जो बाइक उपयोग हुआ था घटना में, उस बाइक की बरामदगी हो चुकी है। 2 हथियार उपयोग किए गए थे, दोनों हथियार की बरामदगी हो चुकी है। एक और अभियुक्त है जो अभी फरार है, उसकी भी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है और हम लोग बहुत जल्द ही उसको भी गिरफ्तार करेंगे। थैंक यू। बहरहाल पुलिस ने छब्बो को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आप देखने की बात यह है, जो एक और अभियुक्त फरार है उसकी कब तक गिरफ्तारी हो पाएगी। मैं पीयूष मिश्रा, लाइव लगातार जमशेदपुर।